राधे राधे। तो बहुत बार हम पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सच में हम ध्यान कर रहे होते हैं? आंखें बंद कर और अपने विचारों को बस इधर उधर भगा देने को ध्यान करना नहीं कहते। ध्यान तो तब होता है जब आप सारी चीज़ें भूल जाओ और एक सेंटर में आकर अपने आप को बस देखना होता है। क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि कठिन है। इतना सब कुछ है हमारे जीवन में, इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम ये एक्चुअली में भूल जाते हैं कि हम ये कैसे करें। आज की कहानी में ये एक बात छुपी है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे और आप अपने पूजा में, अर्चना में या फिर अपने मेडिटेशन के दौरान अगर इस बात को याद रखेंगे, तो सच बता आप अपने विचारों को ख़त्म करके एक सेंटर में आ सकते हैं। सिर्फ एक सोच की बात है, सिर्फ सोचना है कि ध्यान इधर उधर जाता है, कोई बात नहीं, वापस आएगा। और वो जब आ जाए, बस उसी पल को समझना है और उसी पल में रहना है। तो अब इन सब बातों के लिए आज की कहानी तो सुनना बनता है। तो कहानी शुरू करूं। तो होता यह है कि 30-32 साल का एक नौजवान है जो अपने गृहस्थ जीवन, अपने माँ बाप, अपनी सारी चीजों को छोड़कर बस एक खोज में निकल गया है। वो कहता है कि बस मुझे, मेरा मन नहीं लगता, बस मैं निकल जाना चाहता हूँ। जंगलों में जाते जाते, लोगों से बात करते कराते, वो कहीं एक आश्रम में पहुंच जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं। अब वो उसका बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ, अच्छा दिन था कि वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। अब वो सीधा गुरुजी के चरणों में जाता है, आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, तुम शिष्य बनना चाहते हो कि ये सारे लोग जो तुम्हारे साथ आए हैं वो शिष्य बनना चाहते हैं? वो हैरानी से देखता है, वो कहता है कि ना मेरे आगे ना मेरे पीछे कोई भी तो नहीं है, मैं अकेला यहाँ खड़ा हूँ गुरुजी, मैं ही आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, फिर सोचो, आंख बंद करो, देखो तुम्हें कौन कहाँ मिलता है। वो आंख बंद करता है और गुरुजी कहते हैं, क्या आता है ध्यान में? कहते हैं, वो कहता है, मुझे मेरा गाँव याद आता है, मेरी माँ याद आती है, मेरी पत्नी याद आती है, मेरा रोता हुआ बच्चा याद आता है, मेरे दोस्त याद आते हैं, ये सारे लोग मुझे याद आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, आंखें खोलो। आंखें खोलता कहता है, मैं इन्हीं सब लोगों की बात कर रहा हूँ कि तुम इन सब लोगों को यहाँ तक लेकर आए हो, जब तुम कटे ही नहीं हो, मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ? जब भी मैं तुम्हें ध्यान करना सिखाऊंगा, तुम्हें इनकी याद आ जाएगी। जब भी मैं तुम्हें पूजा पाठ करने को कहूंगा, तब तुम उन्हीं विचारों में खो जाओगे। तुम ये बताओ कि तुम अपने अपने लिए कब जियोगे? वो हैरानी से देखता है कि ऐसा क्या करूं मैं क्या करूं, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करता हूं, मेरा मन मेरी माँ में चला जाता है कि वो मुझे याद करती होगी, कभी अपनी बीवी में, कभी अपने रोते हुए बच्चे में, कभी अपने दोस्तों में, मैं क्या करूँ? तभी मेरा कहीं ध्यान नहीं लगता है। तो गुरु जी कहते हैं, ध्यान जाने दो, ध्यान जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम इस दिमाग को रोक ही नहीं सकते हैं। जो हम कर सकते हैं कि जब भी आप ध्यान से वापस आओ, जब भी आपको लगे कि हम बहुत आगे निकल गए, जब भी आप वापस आओ, तो वापस आओ और अपने आप को देखो कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। ये जितना भी क्राउड है, अगर तुम ये क्राउड लेकर ही जियोगे, इतने सारे लोगों को अपने साथ लेके चलोगे, तो कैसे ध्यान कर पाओगे? कहानी का ज्ञान क्या कहता है? कहानी का ज्ञान भी तो यही कहता है, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें अपनी सारी पुरानी चीज़ें या जो जो चीज़ें करनी होती है वो सब याद आ जाती है। ध्यान करने बैठते हैं तो सारे विचार, सारी आशाएं, अभिलाषाएं, गुस्सा सब उसी वक्त आ जाता है। लेकिन उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि हम अपने आप को तो जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इन्हीं विचारों में खोते रहेंगे। तो करना क्या है? सबसे आसान कि अगर विचार आते हैं तो आने दो, लेकिन जब आपको समझ आए कि मैं कहाँ चला गया था या कहाँ चली गई थी, वापस आओ और बस अपने आप को देखो, और वही कुछ जो सेकंड है वही आपको रियलाइज कराएंगे कि ये आप हो। ये पल वही पल है जहाँ आप मेडिटेट कर सकते हो, आप यूनिवर्स से बातें कर सकते हो। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, जब मैंने ये कहानी सुनी, मैंने ये प्रैक्टिस किया और उस प्रैक्टिस से ही मैं आपको ये कहानी सुना पा रही हूँ कि जब आप इस क्राउड को छोड़ देते हो ना, कि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ, बस वही प्रेजेंट मोमेंट है, बस वही आपको सेंटर कर देता है। डिफ़िकल्ट होता है, कठिन है कुछ दिनों के लिए, लेकिन यही तो करना है।
पहले शायद 2 सेकंड भी लगेगा, 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर शायद 1 मिनट, और उसमें जो आपको एक बहुत सुंदर एहसास होगा ना, बस वही एहसास आपको बार बार करने का मन करेगा। इट्स सो ब्यूटिफुल। खैर ये तो मेरी बात थी, आपको अच्छी लगी ये कहानी तो मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।